जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में दिवाली आ रही है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो माता महेश्वरी या महेश्वरी, इसकी साधना और जानकारी लेकर के आए हैं आज हम। तो इस पर पहले चर्चा करेंगे कि माता महेश्वरी हैं कौन। भगवती का वह स्वरूप, ठीक, जिसमें वो गंदी सी गंदी मैली काट की विद्या हटाए, वो महेश्वरी है। ये इतनी अचूक देवी होती है कि अगर चार या पांच लोग बैठे हों और एक कोई रोगी हो जिसके ऊपर इनका कुछ क्रिया किया गया है, तो ये बाजू वाले को भी आ जाएगी, फिर चार पांच लोग को और करने में आ जाएगी। मतलब एक को पकड़ोगे तो दूसरे को, दूसरे को पकड़ोगे तो उसको। तो ये जो विद्या है, ये बहुत बोलते हैं ना बिरला लोग, जिनके पास समय रहता है और वो लोग जो तंत्र में रुचि रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ये चीज़ करते हैं, इसकी साधना। तो ये जो विद्या है करने के लिए, आपको पता है आप अगर एक दिन में भी करेंगे तो उसका काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप चाहें उसको 7 दिन या फिर 11 दिन, 11 तक ऐसे लेकर के चलें तब ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अब दिवाली है, होली है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, तब आप इनकी साधना चालू करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र के अलावा ये आपको भी पता है, जैसे शाबर मंत्र ज़्यादातर उनको जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ही जाप में वो आपको फल देते हैं कलयुग में, क्योंकि बताया गया है जैसे कि शाबर मंत्र काफ़ी प्रचलन में रहते हैं इसलिए। तो शाबर मंत्र तो चलेंगे, लेकिन अब आते हैं कि जाप कितना करना है। तो सिर्फ आपको प्रतिदिन या पर डे बोला जाए तो 151 बार इनका जपना है मंत्र। 151 बार अगर आप जपेंगे, आप अगर देखें उस चीज़ को, अगर 7 दिन आपने कर लिया 151 मंत्र, है ना, तो आप 7 दिन के बाद इनका 108 बार सिर्फ हवन करेंगे, उसमें आपको पूरा परहेज बताया जाएगा। इसके 2 विधान हैं, एक है तामसिक और दूसरा है सात्विक। सात्विक में इनको जो लगेगी बलि अनार की रहेगी, और तामसिक में भी लगाएंगे आप तो बलि को काटेंगे नहीं, ठीक। अब वो तामसिक विधान आपको जो है वो दे दिया जाएगा तो आप उससे करेंगे, ठीक। अब आते हैं कि ये वर्क क्या करती हैं। ये वर्क ऐसा करती हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि जब आपको कहीं बैठना होता है, बहुत गंदगी हो, तो आप क्या करते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं वहाँ पर। ये वही चीज़ है, ठीक। मतलब ये इतनी बड़ी ताकत है कि अगर कोई गंदगी चीज़ या गंदी विद्या वहाँ पर चल रही है तो आप इनका आवाहन करके पूरा उसको साफ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये है कि आप इनसे जब भी काम लें तो इनको भोग ज़रूर दें, आपको भोग बताया जाएगा, वो भोग देना होगा आपको, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि महेश्वरी साधना में आपको ब्रह्मचार का पालन करना है, ठीक। आप ब्रह्मचार के अलावा आप किसी से ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा अकेले रहेंगे, अकेले कमरे में सोएंगे, ठीक। तभी आपको जहाँ पर साधना कर रहे हैं अगर वहाँ पर सोएं तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपको इसके बहुत अच्छे अनुभव देखने मिलेंगे। अनुभव के अलावा यह है कि तंत्र काट के अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें करती हैं, वो आपको बताई जाएगी क्या क्या आप इनसे प्रयोग ले सकते हैं, कैसे प्रयोग ले सकते हैं। जब ये आपको दर्शन दें या ऐसे बोलना चाहिए सिचुएशन कंडीशन लाएँ जिसमें आपको बहुत डर लगे, तो दृढ़ता से बंधे रहें आप वहाँ पर, है ना। गुरु रक्षा मंत्र, घेरा मंत्र आपको जो बताया जाएगा, शरीर का मंत्र रहता है जो कीलन मंत्र, आसन कीलन, ये सब लगा करके कृपया कर बैठें, ठीक। बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर कुल देवी वगैरह रहती हैं तो वो चीज़ चल जाती है, लेकिन अगर आप कुल देवी नहीं हैं और आप साधना कर रहे हैं तो भाई आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो अगर आप इनको सिर्फ जैसे अमावस्या या पूर्णिमा महीने में एक बार भोग दे देंगे तो माता आपसे प्रसन्न रहेगी, कृपा आप पर बनाई रहेगी। इनकी साधना जो रहेगी, मैंने बताया जैसे पहले भी, 3 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिन की करेंगे आप। 151 मंत्र जाप करना होगा, लेकिन कोई भी साधना जो होती है उसको जितना लेट तक खींचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको प्रतिफल देगी इसलिए। तो अगर आपको साधना करनी हो तो आप इसकी दक्षिणा राशि दे करके इसकी साधना ले सकते हैं हमसे। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय मां मरी।